मैं उत्तर प्रदेश का कानपुर बोल रहा हूँ। मेरा कानपुर भारत वर्ष के उत्तरी राज्य उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख औद्योगिक नगर है। यह नगर गंगा नदी के दक्षिणी तट पर बसा हुआ है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से 80 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। यहाँ नगर प्रदेश की औद्योगिक राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, यह वीडियो आप कानपुर से देख रहे हो तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। मेरे अंदर प्रसिद्ध घूमने की जगह बिग फोर। गंगा नदी के तट पर बसा हुआ यह शहर कानपुर शहर से करीब 24 किलोमीटर दूर स्थित, जो हिंदू धर्म के लोगों के लिए बेहद पवित्र और प्रसिद्ध शहर है, जहां आप कई सारे हिंदू देवी देवताओं के मंदिर मौजूद है जिसके आप दर्शन कर सकते हो। इस स्थान को पौराणिक मान्यताओं के अनुसार लव और कुश का निवास स्थान माना जाता है। इस शहर का नाम भारत के स्वतंत्रता संग्राम में शामिल है, जहां पर कई सारे ऐतिहासिक जगह आज भी मौजूद है। जापानी गार्डन जापानी वास्तुकला द्वारा निर्मित। इस गार्डन को जापानी वास्तुकला के रूप में बनाया गया है, जिसकी वजह से इस गार्डन को जापानी गार्डन के नाम से जाना जाता है। हरियाली और फूलों से सजा हुआ यह गार्डन कानपुर शहर से मात्र 4 किलोमीटर दूर स्थित है। इस गार्डन में आपको बच्चे भी आपको खेलते हुए नजर आ जाएंगे, जहां पर विभिन्न तरीके की वस्तुएं बनी हुई है जो देखने में आश्चर्यचकित लगती है। बल्लू वर्ल्ड थीम पार्क कानपुर। कानपुर शहर से 22 किलोमीटर दूर स्थित यह पार्क 25 एकड़ में फैला हुआ है, जो फैमिली और फ्रेंड लोगों को बहुत ही शानदार और आकर्षक करता है। इस पार्क में आपको कई तरह के झूले देखने को मिल जाएंगे, जिनका किराया अलग अलग होता है। इस पार्क में आपको थीम पर डिजाइन किए गए बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें आपको देखने को मिल जाएगी। साथ ही पार्क में बिल्ला थिएटर राइटस फाउंटेन शो की भी सुविधा है। आप इस पार्क में बहुत सारी चीजें भी आप देख सकते हो। कानपुर जैविक उद्यान। कानपुर शहर से मात्र 9.5 किलोमीटर दूर स्थित कानपुर जैविक उद्यान को कानपुर जू के नाम से भी जाना जाता है, जो करीब 76 हेक्टेयर में फैला हुआ है, यानी 187 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। इस जैविक उद्यान में बाघ, हाथी, गेंडा, तेंदुआ, जेब्रा, शुतुरमुर्ग और मोर के साथ साथ कुल 125 तरह की प्रजातियां के पशु पक्षी मौजूद है, जिनकी कुल संख्या लगभग 1250 है। कानपुर में स्थित इस जैविक उद्यान को 4 फरवरी 1974 ईस्वी को पर्यटकों के लिए खोला गया, जिससे हर साल लाखों पर्यटक विजिट करते हैं। इस्कॉन मंदिर कानपुर। इस्कॉन मंदिर का निर्माण 2014 में हुआ। कानपुर शहर से 14 किलोमीटर दूर स्थित यह मंदिर शानदार वास्तुकला और खूबसूरती की वजह से लाखों लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। 14 एकड़ के क्षेत्र में फैला इस भव्य मंदिर की मीनारें देखकर ऐसा लगता है कि यह एक बेहद प्राचीन मंदिर है, क्योंकि आज के समय ऐसी वास्तुकला बहुत कम देखने को मिलती है। जेके मंदिर कानपुर शहर से करीब 5 किलोमीटर दूरी पर स्थित सफेद संगमरमर से बने इस मंदिर का निर्माण जेके ट्रस्ट के द्वारा करवाया गया था, जो हिंदू देवी देवताओं को समर्पित है। इस मंदिर में की गई नक्काशी काफी शानदार दिखाई पड़ती है। हिंदू धर्म की माने तो इस मंदिर में बहुत ही भारी संख्या में भीड़ उमड़ी रहती है और श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। तो दोस्तों, मेरे कानपुर के बारे में आपको जानकारी कैसी लगी? अगर जानकारी पसंद आई तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आगे बढ़ सके। मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।